नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले सुर्खियां। आज प्रधानमंत्री बोले, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बोले, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले। सबकी नजरें उन पर थी क्योंकि अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद पहली दफा किसी वैश्विक मंच पर मोदी बोल रहे थे। वो 370 पर बोले, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि अब हिंदुस्तान में टेम्पररी के लिए व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि, टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। टेम्पररी को निकालने में 70 साल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हंसना कि रोना। प्रधानमंत्री इसके बाद पेरिस से यूएई के लिए निकल गए। एक बार फिर पेरिस लौटेंगे, नहीं कोई चीज नहीं भूले हैं, G7 के सम्मेलन में भी उन्हें हिस्सा लेना है। दूसरी सुर्खी पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई। 3 दिनों से खबरों में है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई सोमवार को है। 26 अगस्त तक ईडी की गिरफ्तारी से उन्हें राहत दी गई है, लेकिन सीबीआई वाले केस में जिसमें वो लपेटे में आए हैं कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का ऐलान किया है। कल ही उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेजा गया था, यानी चिदंबरम रिमांड में है। तीसरी सुर्खी, आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था को लेकर 5 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अर्थव्यवस्था और मंदी की बात की, जोर देकर कहा पूरी दुनिया में मंदी है, उसे समझिए, बताया कि चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर के चलते मंदी की समस्या सामने आई, ये भी कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत के हालात बेहतर हैं। फिर कुछ जरूरी ऐलान भी किए, कहा कि ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा जो है उस पर पूरा का पूरा अमल लाया जाएगा ताकि ब्याज की दरें घटें और लोग पैसे लें, खर्च करें, बाजार में तेजी आए। इसके अलावा बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। आज की खबर दिल्ली से आई लेकिन जुड़ी थी बिहार से, एक फरार विधायक के सरेंडर की खबर। विधायक कौन? बिहार के मोकामा के अनंत सिंह। उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनका मेडिकल कराया और उधर से बिहार पुलिस को भी बुला भेजा। वो आए, अपने विधायक को संभाला। पर विधायक जी फरार क्यों थे? क्योंकि 16 अगस्त को उनके घर पर छापेमारी हुई थी जिसमें घर से AK-47 निकली थी, कारतूस भी, बम भी। FIR दर्ज हुई UAPA के तहत। फिर 17 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तारी की तैयारी की, पर विधायक जी मिस्टर इंडिया हो गए, गायब हो गए। विधायक जिनके लिए चलताऊ भाषा में दबंग और बाहुबली जैसे कई शब्द खर्च किए जाते हैं। 2.5 दर्जन के आसपास केस हैं अनंत सिंह के ऊपर, छोटे मोटे नहीं, कत्ल, अपहरण, फिरौती, डकैती जैसे मामले। बिहार के बाढ़ थाने में ही उन पर 23 बड़े मामले दर्ज हैं। फरारी काट रहे विधायक कर क्या रहे थे? वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक के लिए नहीं, जनता के लिए। कह रहे थे कि मुझे अदालत पर भरोसा है। विरोधियों पर इल्जाम लगाया, कहा कि लल्लन सिंह के कहने पर मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे घर पर हथियार रखे गए हैं, मैं कुछ दिनों में सरेंडर कर दूंगा, मुझे अदालत पर भरोसा है, वगैरह वगैरह। पर कहानी के केंद्र में तो अनंत सिंह हैं, जिन्हें समर्थक छोटे सरकार कहते हैं, जिन्होंने कभी लालू यादव का घोड़ा खरीदा था। आप दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से तकरीबन 40 मिनट बाद आएगा बाढ़। ज्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेन है तो रुकती तक नहीं।
पर इस स्टेशन की पहचान यहाँ रुकने वाली गाड़ियों से कम और स्टेशन के बाहर चलने वाले तांगों से ज्यादा है। आप इनमें से कोई भी तांगा पकड़िए, पास के गांव लदमा चले जाइए, यहीं से ताल्लुक रखते हैं अनंत सिंह। पटना, बाढ़, मोकामा के इलाके में जाना पहचाना नाम बाहुबली। बड़े लोगों का आशीर्वाद और बड़े लोगों से दुश्मनी। समर्थक कहते हैं छोटे सरकार है, पर सवाल ये उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई अकाल नहीं है, वहां अनंत सिंह इतने खास कैसे हो गए? वो ऐसे कि अनंत सिंह की कहानी एक क्षेपक की तरह आती है उस कहानी के बीच जो बिहार की राजनीति के दो सबसे ताकतवर ध्रुवों ने लिखी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। पिछले 29 सालों से बिहार में इन्हीं दो नेताओं का राज रहा है, लेकिन आज जो इन्हें अलग अलग पहचाना जाता है वैसा हमेशा नहीं था। बिहार में जनता दल की आंख के दो तारे थे लालू और नीतीश। लालू सीएम बने इसके लिए नीतीश ने पूरा जोर लगाया था, और इन दोनों के गुरु कौन थे? समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस। इन दोनों से बड़े थे, बड़े ही रहे। बात 1994 की है। लालू के बतौर सीएम 4 बरस हो चुके थे। लालू अब बड़े नेताओं का लोड नहीं लेते थे। लालू अब नीतीश को, उनके समर्थकों को किनारे लगा चुके थे, और इसीलिए नीतीश और उनके समर्थक अलग जाने की तैयारी कर रहे थे। इन सब के बीच आता है बिहार में एक उपचुनाव संसदीय सीट के लिए। सीट का नाम वैशाली। लालू ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, पर चुनाव जीत नहीं पाए। जीती निर्दलीय लवली आनंद, एक और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी। संदेश गया कि लालू का करिश्मा नहीं रहा, और इसके बाद जॉर्ज और नीतीश ने अपनी राह अलग कर ली, समता पार्टी बना ली मशाल के चुनाव निशान के साथ। लेकिन 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश खेत रहे। लालू ने आलोचकों को गलत साबित किया, फिर से मुख्यमंत्री बने। समता और नीतीश के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा। अगले बरस लोकसभा के चुनाव होने थे। नीतीश कुमार को चिंता थी कि लालू के समर्थन के बिना बाढ़ लोकसभा से कैसे गाड़ी पार होगी। हर हाल में जीतना था ताकि सियासत बची रहे, लेकिन बाढ़ के जातिगत समीकरण उनके खिलाफ जा रहे थे। और तब उनकी नजर गई दबंग छवि के एक नेता पर, नाम अनंत सिंह। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार में बाहुबली विधायक रहे थे, लालू प्रसाद यादव की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। छोटा भाई भी पीछे पीछे राजनीति में आया बड़े भाई के सियासी और सांसारिक अंत के बाद। और इस छोटे भाई को छोटे सरकार का तमगा कैसे मिला? बहुत सारी रियायतें गरीबों को देकर। पैसा कहां से आया, इस पर विवाद है। वापस से बाढ़ स्टेशन के बाहर चलते हैं, जिनके तांगों का हमने जिक्र किया। एक जमाना था जब अनंत सिंह बाढ़ और मोकामा में खूब तांगे बांटते, जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलता, और उन्हें एक प्रभावी सूचना नेटवर्क। ये लोग अनंत सिंह को अपना मसीहा मान बैठे। ये अनंत सिंह का मोडस ऑपरेंडी था, छठ पर धोती बांटना, साड़ी बांटना, रमजान के दौरान इफ्तार करना। पैसे कहां से आते? इल्जाम लगते अपराध की दुनिया से। छवि बनती रॉबिनहुड की, किसी के लिए डकैत, किसी के लिए देवता। कहते हैं कि तभी नीतीश और अनंत साथ आए। बाढ़ मुकामा वाला इलाका, वहां कई राजनीतिक टिप्पणीकार मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह का समर्थन कितना महत्वपूर्ण था नीतीश कुमार के लिए। और इसीलिए लालू यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर नीतीश फिर भी लोकसभा पहुंचते रहे। आसान इतना भी नहीं था, क्योंकि हर दफा लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण तक वोटों की गिनती जाती, तब माजरा साफ होता, नीतीश सांसद बनते और फिर 1998 और 99 की अटल सरकार में मंत्री भी। हालांकि इस मंत्री के काल में एक बार मुख्य भी जुड़ा, सरकार नहीं चली, लेकिन विधायकों का गणित उसके करीब पहुंच गया, और तब भी कहा गया कि ये अनंत सिंह का प्रताप है। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने एक बार फिर से बाढ़ से सांसदी का पर्चा भरा। उस समय एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अनंत ने नीतीश को चांदी के सिक्कों से तौला था।
इस वीडियो का, इस कार्यक्रम का वीडियो बहुत वायरल हुआ था और बाद के दिनों में नीतीश के लिए ये परेशानी का सबब भी बना। जब तक नीतीश लालू से दूर रहे, अनंत सिंह के करीब रहे, पर राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। अनंत सिंह जब बिहार में नीतीश सुशासन बाबू बन रहे थे, तब तक अनंत सिंह उनके सहयोगी बने रहे, कभी पर्दे के आगे कभी पीछे। लेकिन 2014 में हालात बदले, मोदी का दौर आया, नीतीश एनडीए से बाहर गए, लालू के साथ गठबंधन बना। पेच ये फंसा कि आरजेडी अनंत को पसंद नहीं करती थी। आरजेडी का दबाव था कि अनंत सिंह को जेडीयू विधायकी का टिकट ना दे। अनंत सिंह के खिलाफ एक के बाद एक गंभीर अपराधों के इल्जाम भी लगने लगे और फिर नीतीश के ऊपर अपने करीबी सहयोगी और उसी बाढ़ के इलाके से आने वाले लल्लन सिंह का दबाव भी था। मुंगेर में कितने मसीहा पनपते। नीतीश को भी लगा अब अनंत पर वैसी निर्भरता नहीं रही। अनंत सिंह पर कार्रवाई कानून के तहत हो रही है, लेकिन राजनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं ये कार्रवाई हो किसके मार्फत रही है, इस पर गौर करिए। जेडीयू के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह और मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह। लल्लन सिंह ने कांग्रेस के पर्चे पर लड़ी नीलम देवी को हराकर चुनाव जीता। जी आपने सही सुना, कांग्रेस की कैंडिडेट नीलम देवी, नीलम देवी के पति अनंत सिंह, कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी, आरजेडी जो अनंत के खिलाफ थी। सियासत कैसे चीजें बदल देती है। आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह ये दोनों नीतीश के दशकों से करीबी हैं। अनंत पर कार्रवाई को लेकर एक नाम और भी चर्चा में आ रहा है, आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह का। ये आरसीपी की बेटी है, पर यहां पर सिर्फ तुक का अंत नहीं होता, क्योंकि यही लिपि सिंह अपनी पोस्टिंग के दौरान अनंत पर शिकंजा कसती हैं। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह इनकी चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं, इनका तबादला बाहर होता है, लोकसभा चुनाव बीतते हैं, आचार संहिता खत्म होती है और नीतीश एक बार फिर से लिपि को बाढ़ में तैनात कर देते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ ये राजनीतिक प्रासंगिकता का अंत है या फिर एक नई शुरुआत है कि कानून की नजर में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मामला बड़ा हो चुका है। बिहार पुलिस का कहना सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है और इसीलिए लल्लन सिंह भरी सभा में कहते हैं लिपि सिंह को दबाव में आने की जरूरत नहीं। जो नहीं कहते हैं वो ये कि अब अनंत के दबाव में आने का वक्त आ गया है। लल्लन टॉप शो में बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, ऑर्डिनरी औरतों की नजर से दुनिया की एक कहानी। आज खबर है एक लड़की की संवेदनशीलता की, उसकी हिम्मत की। आम खबर नहीं है, दिमाग के ताले खोलने वाली है। नोएडा की खबर, ये लड़की अपनी सहेली के साथ पुलिस स्टेशन गई FIR लिखाने अपने पिता के खिलाफ। आप पूछेंगे पिता के खिलाफ क्यों? क्योंकि पिता ने सहेली के साथ रेप की कोशिश की थी। 19 साल की ये लड़की नोएडा में पिता के साथ रहती थी अकेले। सहेली आई पश्चिम बंगाल से मिलने, घर पर रुकी। एक दिन सहेली नहा रही थी, पिता ने बाथरूम में घुसकर गलत हरकत की। सहेली की चीख सुनकर लड़की पहुंची, रोकने पर पिता ने मारपीट की, पर दोनों लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी, पिता को घर से भागने पर मजबूर किया और फिर पुलिस तक पहुंचे। ये घटना शर्मनाक है पर संकल्प भी दिखाती है। इंडिया में एक बड़ा आंकड़ा है लड़कियों का, लड़कों का, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। और ये वायलेंस सिर्फ मारपीट का नहीं है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी है। हम बार बार कहते हैं जब भी ऐसा कुछ हो चुप्पी तोड़िए, कारा तोड़िए, क्योंकि आज़ाद रहने में ही हिम्मत का हमेशा के लिए बसेरा होता है। अपनी नज़र से नीचे हो गए तो फिर कैसे नज़र उठा के चलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।